जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पंजाब में सियासी माहौल गर्माने लगा है। राजनीतिक समीकरण और जोड़ तोड़ बनने बिगड़ने शुरू हो गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा था कि पंजाब में इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, मगर आज अचानक पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के बीजेपी के पंजाब में अकेले लड़ने के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जाखड़ के इस बयान पर श्रोमणी अकाली दल सुप्रीमो सुप्रीम बादल ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि अकाली दल कोई मामूली पार्टी नहीं है, ये पार्टी पंजाब और कौम की रक्षा के लिए बनाई गई थी। अकाली दल के लिए असूल पहले हैं, हम सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करते, हमारी पार्टी किसानों के हक के लिए लड़ने वाली पार्टी है। सुखबीर बादल पिछले कुछ समय से पंजाब में पंजाब बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। ज्ञात रहे कि विधानसभा चुनाव में अकाली दल और बसपा का गठबंधन हुआ था, जिसमें इन्हें बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इससे पहले बीजेपी और अकाली दल ने मिलकर कई चुनाव लड़े थे, लेकिन किसानी मोर्चे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल में मतभेद हो गए थे। अब देखते हैं कि अकेले अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से किस पार्टी के हक में पंजाब की जनता का फैसला आता है। बाकी तो आने वाला समय ही बताएगा। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। साडे वास्ते असूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर गेम तो। 103 सालों विच अकाली दल ने कि सरकार बनाउन वास्ते पार्टी नहीं बनाई, कौम की रक्षा, पंजाब की रक्षा, पंजाबियों की विच भाईचारे सांझ ते पंजाब विच अमन शांति वास्ते अकाली दल की जिम्मेवारी है। तो इस करके साडे वास्ते असूल है, साडे वास्ते जो असी कोर कमेटी ने बड़ा क्लीयर किया है साडे असूल की है। साडे जिहड़ी बहुत मसले हैं पंजाब विच भाईचारे सांझ अमन शांति, आ जिन्नियां दिल्ली दी पार्टियां नैशनल पार्टियां, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਬੜੀ ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੀਵੀ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਨਾ ਨਾ ਭੁਲੇ।